नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभी गुरु चैनल पे। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि इफ़ स्टेटमेंट कैसे काम करता है, और उसमें हमने बात की थी कि आगे हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में और ठीक से देखेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो ऑपरेटर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी रेशनल ऑपरेटर की, और फिर कहा था कि लॉजिकल ऑपरेटर भी होता है, और एक ऑपरेटर और होता है जिसको कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। तो सबसे पहले रेशनल ऑपरेटर देखते हैं। रेशनल ऑपरेटर में क्या होता है कि ऐसे ऑपरेटर जो कंपेयर करने के काम में आते हैं वो रेशनल ऑपरेटर कहलाते हैं। जैसे कि x इज इक्वल टू y है कि नहीं है, x y के बराबर है कि नहीं है, x नॉट इक्वल टू y, x इज ग्रेटर देन y, x इज लेस देन y, ऐसे ऑपरेटर जो कंपेयर कर रहे हों वो रेशनल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। इन ऑपरेटर से हटके भी कुछ ऑपरेटर हैं जैसे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड और नॉट। ये एक्चुअली डी के बेस पर बना हुआ है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के। भाई ये एंड गेट होता है, ये और गेट होता है, और ये नॉट गेट होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, एंड और को बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं, और इस नॉट को क्या कहते हैं, यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। चलिए देखते हैं ये एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम एंड और देखते हैं। इसको समझने के लिए यहां पर हम लोग वन या नॉन जीरो वैल्यू को, नॉन जीरो वैल्यू को क्या समझेंगे, ट्रू समझेंगे, और जीरो को हम लोग फॉल्स समझेंगे। चलिए देखते हैं, अगर दोनों जीरो जीरो हुआ यानी कि दोनों फॉल्स हुए तो आउटपुट क्या आता है, एंड ऑपरेटर में फॉल्स आता है, जीरो आता है। फिर जीरो वन, वन जीरो, वन वन, केवल इस कंडीशन में ही ट्रू आता है, बाकी सारे कंडीशन में क्या आता है, फॉल्स आता है। ये हमेशा याद रखना चाहिए। और ऑपरेटर में क्या होता है, अगर इसमें कोई भी वैल्यू किसी की भी वन होती है तो ये ट्रू यानी कि वन आता है, सिर्फ इस कंडीशन पर इसकी वैल्यू जीरो आती है। इस तरीके इसको याद रख कि एंड ऑपरेटर में जब तक दोनों वन नहीं होगा हमें ट्रू नहीं मिलेगा, और ऑपरेटर में जब तक दोनों जीरो नहीं होगा तब तक हमें जीरो नहीं मिलेगा। यहाँ सारी कंडीशन जीरो मिलती है एक्सेप्ट दिस कंडीशन, और यहाँ सारी कंडीशन वन मिलती है एक्सेप्ट दिस कंडीशन। जब आपको ये बात क्लियर हो जाएगी तो आगे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आप एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एक्स वाई वैल्यू देकर देखते हैं। अगर एक्स की वैल्यू हम लोग यहाँ वन दे रहे हैं और वाई की वैल्यू हम लोग जीरो दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, एंड ऑपरेटर के जरिए। एंड ऑपरेटर में मैंने क्या कहा था, जब तक दोनों वन नहीं होगा तब तक ये ट्रू नहीं होगा, तब तक वन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। अगर इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है तो ये अपने एल्स स्टेटमेंट में चला जाता है, और हमें मान लीजिए हमने प्रिंट एफ लिख दिया। जैसे ही हम लोग यहाँ x की वैल्यू 1 देंगे और y की वैल्यू 0 देंगे तो आपको एंड गेट में अच्छे से पता था कि जब दोनों 1 होते हैं तभी 1 मिलता है, बाकी सारी कंडीशन में क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स यानी कि 0 आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और फॉल्स होते ही ये इफ कंडीशन क्या होगा, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट ना करके ये अपने एल्स स्टेटमेंट पर भेज देगा, और एल्स स्टेटमेंट पर क्या लिख के आ जाएगा, फॉल्स प्रिंट होके आ जाएगा। यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ हमने वन दिया और जीरो दिया, और गेट में क्या कंडीशन बताई थी कि कोई भी एक वन होगा तो इसकी वैल्यू वन आती है यानी कि ट्रू आती है। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, और ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। यहाँ हमने तीन वेरिएबल यूज किए हैं, एक्स, वाई एंड जेड। अब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देख के देखते हैं। मान लीजिए एक्स की वैल्यू वन दी, वाई की वैल्यू टू दी, जेड की वैल्यू थ्री दी। तो देखिए क्या कंडीशन होता है, x इज ग्रेटर देन y, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 1 नेवर ग्रेटर देन 2 होगा।
दूसरा क्या था, x इज ग्रेटर देन z, ये क्या हो जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन z, और ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, दो फॉल्स यानी कि दो जीरो का एंड गेट अगर निकाला जाए तो इन दोनों में से कोई भी जीरो होता है या कोई भी फॉल्स होता तो इसका रिजल्ट क्या आ जाता, फॉल्स आता। तो इसमें जो होगा इफ कंडीशन में न जाके ये किसकी कंडीशन में जाएगा, अपने एल्स कंडीशन में आ जाएगा, और ये पूरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगी। तो जो भी एल्स कंडीशन में लिखा होगा वही एग्जीक्यूट होगा। यहां पर देखते हैं x इज ग्रेटर देन y, ये दोनों फॉल्स हो गए, यहां पर भी सेम कंडीशन चल रही है, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, और जब और होता है यानी कि दोनों जीरो होगा तो भी और का आउटपुट क्या मिलता है, जीरो मिलता है, यानी कि ये भी अपने किस कंडीशन में जाएगा, एल्स कंडीशन में जाएगा। दूसरी वैल्यू देखकर चेक करते हैं हम लोग कि x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 1 देते हैं। अब यहां पर चेक करिए क्या होता है कि x इज ग्रेटर देन y, 3 इज ग्रेटर देन 2, ये ट्रू हो जाएगा, और x इज ग्रेटर देन z, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहां पर भी क्या है, 3 इज ग्रेटर देन 1 है। जब दोनों ट्रू होगा और उसका एंड गेट होगा तो फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, यानी कि ये स्टेटमेंट पूरी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, और इस कंडीशन के अंदर लिखी हुई स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहां पर देखते हैं, यहां पर ये क्या होगा, ये भी ट्रू होगा, सेम कंडीशन यहां दोनों हम लोग चला रहे हैं, यहां भी ट्रू होगा, और आर में क्या होता है, अगर कोई भी ट्रू होगा तो आउटपुट हमें क्या मिलता है, ट्रू मिलेगा, यानी कि इफ कंडीशन के लिखा हुआ वैल्यू क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाता है। एक लास्ट हम लोग देखते हैं, हमने वैल्यू लिए 2, 3, 1, और अब इसको चेक करते हैं, x इज ग्रेटर देन y, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, और x इज ग्रेटर देन z, ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। एंड गेट में कोई भी एक फॉल्स हो जाएगा तो आउटपुट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और इफ स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट ना एग्जीक्यूट होके एल्स स्टेटमेंट लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यहां पर चेक करते हैं हम लोग, यहां पर भी सेम कंडीशन चल रही है, यहां फॉल्स हो गया और यहां क्या हो गया, ट्रू हो गया। और कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी अगर ट्रू हुआ एक तो फाइनल आउटपुट क्या आता है, ट्रू आता है, तो यहां ट्रू हो गया, और इफ कंडीशन के अंदर लिखा हुआ वैल्यू क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, एल्स कंडीशन में नहीं। यहां पर क्या हो रहा था, यहां इफ कंडीशन में ना एग्जीक्यूट होके एल्स कंडीशन हो रहा था, और यहां पर वही स्टेटमेंट क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इस तरीके से हम लोग एंड और का यूज करते हैं। चलिए अब ऑपरेटर को और हम लोग डेप्थ में देखते हैं। यहां पर हम लोग ऐसा कोड बनाना चाह रहे हैं जहां पर किसी पर्सन की एज और उसका मैरिटल स्टेटस इंटर कराया जाए। अगर एज ग्रेटर देन 18 हो जाती है तो वो ड्राइविंग लाइसेंस पाने के काबिल है, अगर उसकी वो मैरिड है तो भी वो ड्राइविंग लाइसेंस पाने के काबिल है। तो अगर इसको हमें इफ कंडीशन से करना होता तो हम लिखते इफ मैरिटल स्टेटस इज इक्वल टू एम यानी कि मैरिड, he will get the driving license, else if age is greater than 18 he will get the driving license। और इस if का else क्या होगा, not get the driving license। अब इसी जो प्रोग्रामिंग है, इसी प्रोग्रामिंग को हमें ऑपरेटर के यूज़ करके अगर करना हो तो हम क्या करेंगे, एक लाइन में हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी, इफ मैरिटल स्टेटस इज इक्वल टू मैरिड। और देखिए पूरी कोडिंग जो इतनी बड़ी थी वो क्या हो गई, इस एक लाइन में क्या गई, सिमट गई। अगर वो मैरिड है या उसकी एज 18 से ज्यादा है तो
तो उसे ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा, नहीं तो उसे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। अब एक और तरीका, शॉर्टकट तरीका बताते हैं और को याद रखने का। इसको हिंदी का या समझिए और एंड को और समझिए। या कहने का मतलब चाहे ये, चाहे ये, इन दोनों में से कोई भी सही होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी सही होगा तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, पूरी पूरी ट्रू हो जाएगी, और ये लाइन क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। इफ के अंदर की स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और में मतलब ये दोनों चाहिए, यानी कि इधर का स्टेटमेंट और इधर का स्टेटमेंट दोनों ही सही होना चाहिए, तभी जाके अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे, नहीं तो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो आप मन में या और बोल के, अगर और ऑपरेटर लगा तो या ये दोनों में से कोई एक, और लगा हो एंड लगा हो तो और ये भी दोनों सही होना चाहिए, तभी जाके हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं आप लोग, काम इस पर कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को हायरार्की ऑफ ऑपरेटर देखना चाहिए कि क्या पहले एग्जीक्यूट होगा, क्या बाद में होगा और क्या सबसे लास्ट में होगा। तो ये याद रखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर इन हायरार्की में सबसे लास्ट में होगा और सबसे पहले नॉट ऑपरेटर होगा, फिर ये सारी चीज़ें होंगी, इनको दिमाग में रखिए। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं कि नॉट ऑपरेटर कैसे यूज होता है। नॉट ऑपरेटर का एक्सक्लेमेटरी साइन होता है नॉट ऑपरेटर के लिए, और ये हमेशा लॉजिक को रिवर्स करने के लिए काम आता है। जहां भी ये लिखा होगा, यानी कि इफ नॉट फ्लैग लिखा हुआ है, यानी कि फ्लैग में जो भी वैल्यू है उसको ये रिवर्स करने के काम आएगी। ये इसके इक्विवेलेंट है, इफ फ्लैग इज इक्वल टू जीरो, इफ नॉट फ्लैग, ये दोनों बातें क्या है, सेम है। थोड़ा ये टिपिकल सी बात होती है लेकिन बहुत आसान सी बात है, इस एग्जाम्पल से आप लोग देखिए तो समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है नॉट वाई इज लेस देन 10, तो लिखा नॉट वाई इज लेस देन 10। अब y की वैल्यू हम लोग 10 से ऊपर लेते हैं, 11 ले लेते हैं, तो 11 इज लेस देन 10, इसकी वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स, क्योंकि ये फॉल्स है। अब फॉल्स का हम लोग जब नॉट निकालेंगे, फाइनली यहां पर इसका नॉट निकाल रहे हैं, तो इसका रिवर्स, यानी कि फॉल्स का क्या आएगा, ट्रू आएगा। यानी कि ये स्टेटमेंट अगर y इज इक्वल टू 11 होता तो ये स्टेटमेंट क्या होता, ट्रू होता, उल्टा हो जाएगा जो भी स्टेटमेंट। अब y इज इक्वल टू 9 लेते हैं तो नॉट 9 इज लेस देन 10, ये क्या हो जाता, ये ट्रू हो जाता, और ट्रू का नॉट होके फाइनली आउटपुट क्या आ जाता, फॉल्स आ जाता। यानी कि जो भी इसके अंदर वैल्यू है उसकी वैल्यू को क्या कर देता है, वो लॉजिकल वैल्यू को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। ज्यादातर हम लोग इसको अवॉइड करते हैं यूज करने के लिए। अब देखते हैं हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर। तो कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, इस क्वेश्चन मार्क और कॉलन को ही हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं, और ये ऑपरेटर टेनरी ऑपरेटर भी कहलाता है, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है। तो हमने यूनरी ऑपरेटर देखा, टेनरी ऑपरेटर देखा, इसको लिखा कैसे जाता है, एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3। अब इसमें क्या होता है कि एक्सप्रेशन जो पहला लिखा होता है और क्वेश्चन मार्क, इसके बाद जो दो एक्सप्रेशन लिखे होते हैं, मान लीजिए यहाँ 2 है यहाँ 3, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होती है तो ये वाली स्टेटमेंट क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो ये वाली स्टेटमेंट क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है। चलिए यहाँ से हम लोग समझते हैं। अगर यहाँ पर ये लिखा हुआ है, एक हम लोग इनपुट ले रहे हैं एक्स की वैल्यू, अब एक्स की वैल्यू मान लीजिए हम लोग यहाँ पर क्या इनपुट लेते हैं, एक्स इज 6, तो 6 इज ग्रेटर देन 5, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसके बाद जो लिखा हुआ स्टेटमेंट 3 था ये प्रिंट होके ये एग्जीक्यूट। अब जो है वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। दूसरा कंडीशन लेते हैं, अगर मान लीजिए हम एक्स की वैल्यू 4 इनपुट करते हैं तो हमारा क्या आएगा, एक्स की वैल्यू 4, 4 इज ग्रेटर देन 5, ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। फॉल्स होने पर क्या होता है, ये सेकंड स्टेटमेंट पर जाके एग्जीक्यूट होता है, यानी कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी।
इसको हम लोग इफ स्टेटमेंट के बेसिस पर भी लिख सकते हैं. इफ एक्स इज ग्रेटर देन 5 देन वाई की वैल्यू क्या हो जाए, 3 हो जाए. जब एक्स इज ग्रेटर देन 5 तो वाई की वैल्यू कितनी हो जा रही थी, 3 हो जा रही थी. एल्स वाई की वैल्यू 4, यानी कि बाकी सारे कंडीशन में वाई की वैल्यू कितनी हो जा रही थी, 4 हो जा रही थी. तो इस तरीके से हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. अब इसके बारे में और देखते हैं कंडीशनल ऑपरेटर में कि क्या किया जा सकता है. कंडीशनल ऑपरेटर में कोई जरूरी नहीं कि सारे अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स ही हों. अगर आई की वैल्यू हम लोग 1 यहां पे इंटर कर दें, 1 इंटर कर दें, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा. अगर आई की वैल्यू हम अदर देन 1 प्रिंट करेंगे तो ये लाइन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. और फॉल्स होने की वजह से ये स्टेटमेंट क्या होगा, प्रिंट होगा. मतलब हम यहां पर पूरा पूरा स्टेटमेंट ही नया एग्जीक्यूट करा दे रहे हैं. तो आप कोई जरूरी नहीं कि अर्थमेटिक एक्सप्रेशन ही एग्जीक्यूट कराए, आप कुछ भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं. जैसे कि मान लीजिए यहाँ जेड को दिया है, अगर ए इज इक्वल टू जेड यहाँ हो जाता है ये, और ये इसके इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तो ए प्रिंट होगा, और नहीं तो एक्सक्लेमेटरी साइन प्रिंट होगा. कंडीशनल ऑपरेटर में आप नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर भी लिख सकते हैं. एक्चुअली क्वेश्चंस में ये बहुत आते हैं, न्यूमेरिकल में बहुत आते हैं. अब ये दोनों में अगर ए इज ग्रेटर देन बी हुआ तो ये एग्जीक्यूट होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी. इस लाइन में एग्जीक्यूट होगी, उसमें भी ए इज ग्रेटर देन सी हुआ तो 3 आएगा, नहीं तो क्या आएगा, 4 आएगा. इस कंडीशन के अंदर हमने कंडीशन डाल रखी है. और ए इज ग्रेटर देन बी अगर फॉल्स होता है तो ये पूरी पूरी लाइन एग्जीक्यूट होगी. उसमें भी चेक होगा कि बी इज ग्रेटर देन सी, अगर सही है तो 6, नहीं तो 8. इस तरीके से ये पूरा इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखा जा सकता है. ये पूरा नेस्टेड स्टेटमेंट, ये कॉम्प्लेक्स होता है, प्रोग्रामिंग में हम लोग अवॉइड करते हैं. और हम लोग ज्यादातर यूज क्या करते हैं, इफ स्टेटमेंट या स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं. अगर हमने सही से ब्रेसेस नहीं लगाया, कंडीशन नंबर 3 देखते हैं कि अगर हमने सही से ब्रेसेस नहीं लगाया, जैसे ये ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए, नहीं तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए. इनका ब्रैकेट में होना बहुत जरूरी है. अगर ब्रैकेट में नहीं होंगे तो एल वैल्यू रिक्वायर्ड लिख के आता है. ये लाइन आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आप ब्रैकेट में तो रखना ही चाहिए, लेकिन क्या एरर आती है ये भी ध्यान रखना चाहिए. एक लास्ट ऑपरेटर हम लोग देख लेते हैं, मॉडलेस ऑपरेटर. मॉडलेस ऑपरेटर क्या होता है कि ये हमेशा रिमाइंडर निकालता है. इससे पहले भी हम इसकी बात कर चुके हैं, अगर 5 मॉडलेस 2 है तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, इस तरीके से आप लोग निकाल लेंगे. और इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1. यानी कि 5 मॉडलेस 2 की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 1 आएगी. तो ये रिमाइंडर ऑपरेटर भी बहुत ज़्यादा यूज होता है. जैसे कि मान लीजिए हमें कोई इवेन नंबर निकालना है कि एक्स में भी जो भी इंटर किया गया नंबर वो इवेन है कि ऑड है, तो एक्स मॉडलेस 2 इज इक्वल टू 0. अगर इसका रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है, तो ये क्या है, इवेन नंबर है, नहीं तो क्या है, ऑड नंबर है. तो इस तरीके से हम लोग मॉडलेस ऑपरेटर का यूज करते हैं. तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.